राम राम दोस्तों, जय भोले की। आप सभी का स्वागत है लाइफ इज ट्रैवल के एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सागर अरोड़ा और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं स्कूटी से ट्रैवल मोस्टली करता हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी कन्वेंस मेरी स्कूटी है। बाकी जैसे भी सूटेबल होता है मैं उस हिसाब से ट्रैवल करता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी आपको साथ साथ देना चाहता था। और जैसा कि आपने टाइटल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, आप आज की वीडियो केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब सीरीज़ जो मेरी आई थी उसकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, जो कि मैं बीच में नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मैं वैष्णो देवी चला गया था और उसकी सीरीज़ आ गई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। वैष्णो देवी सीरीज़ है 2023 और वहाँ मैं गया था बाय बस और आया था मैं ट्रेन से। तो जैसा क्योंकि बारिश चल रही थी तो मैंने स्कूटी से जाना उसको अवॉइड किया था। तो देखिए, सिचुएशन के हिसाब से सब काम करने पड़ते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हमारे को एक ही पैटर्न पे चलना है, जैसी सिचुएशन हो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन इस वक्त चार धाम यात्रा की आप सबको पता भी होगा थोड़ा, मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ बिकॉज़ मेरा एक फ्रेंड गया हुआ है और पहले मेरा उसके साथ प्लान बन सकता था बिकॉज़ उसने मुझे कहा था अपने साथ चलने के लिए, बट मैंने मना कर दिया था बिकॉज़ मैं जो गया था मई के लास्ट में गया था, तो बीच में काफ़ी गैप आ जाता और मेरा उस टाइम प्लान बन चुका था। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश की वजह से काफ़ी रोड्स बंद हैं। तो मेरी जो लास्ट उससे बात हुई थी परसों रात को हुई थी जब वो तुंगानाथ जी में था और वहाँ से मुझे उसने फ़ोटो वीडियो भी भेजी है। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छी बात है, कुछ ऐसा होना भी नहीं चाहिए और सही चल रहा था। वो एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप जो भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ख़ास तौर से उनके लिए इस टाइम पे बिल्कुल 100% अवॉइड कीजिए। मतलब चार धाम ही क्या, कोई भी पहाड़ों वाली जगह पे बारिशों में हमें जाना ही नहीं चाहिए बिकॉज लैंडस्लाइड होती है और आप उतना अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस एक आपको प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको सस्ता मिल जाएगा हर चीज़ और भीड़ भाड़ नहीं होगी। लेकिन देखिए, जान है तो जान है, तो अगर हम जा रहे हैं अच्छी जगह पर रिस्क इतना नहीं लेना चाहिए। तो जो बेस्ट टाइम था मैं जब गया था उस टाइम भीड़ बहुत होती है, बट वो भी अच्छा टाइम था जाने के लिए। और अभी बारिशों के बाद ही सबसे बेस्ट टाइम आएगा जब मौसम और अच्छा हो जाएगा, बारिशें ख़त्म होएगी। अब बारिशें कब ख़त्म होती है वो आपके सामने ही रहेगी वो बात। तो सितंबर का महीना तो बढ़िया रहता है, उस टाइम पर बढ़िया मौसम हो जाता है और भीड़ उतनी नहीं होती जितनी मई जून में होती है ज़्यादा। और ये जून जुलाई और अगस्त ये तो पूरा बारिशों वाला रहता है, तो इस टाइम पे तो बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। तो चलिए अब फटाफट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी जो यात्रा स्टार्ट करी थी 20 मई को करी थी दिल्ली से स्टार्ट, मैं स्कूटी से गया था। टोटल मेरी जो स्कूटी चली थी पूरी ट्रिप पे 1380 किलोमीटर। तो दोपहर को मैंने स्टार्ट करी थी और रात को मैं 11 बजे तक हरिद्वार पहुँच गया था। वहाँ पर उस टाइम पे वीकेंड था, तो उस टाइम सैटरडे या संडे कुछ था तो, और कुछ एकादशी वगैरह भी थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत मुश्किल से मुझे रात को होटल मिला था 11:30 बजे के करीब और मुझे वो 500 में मिला था। दो जने थे, मेरा दोस्त उस टाइम मेरे साथ था, तो उसमें हमारा 250-250 डिवाइड हो गया था। अब इसकी पूरी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन भी आपको लास्ट में बता दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आरती वगैरह अटेंड करने के बाद ऋषिकेश होता हुआ, ऋषिकेश में रुके नहीं थे और सीधा देवप्रयाग में संगम जो होता है अलकनंदा और भागीरथी का, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्नान करा था। देन उसके बाद श्रीनगर जाके मैं रुका था, वहाँ मेरे को मेरा एक दोस्त भी मिला था साहिल राजपूत, जिनका एक चैनल है यूट्यूब पे साहिल राजपूत ऑफिशियल के नाम से। और उसके बाद वहाँ मैंने स्टे करा था, तो वहाँ पर बाई चांस कहीं से बात हो गई थी मेरी, तो 400 में मिल गया था। वैसे इतना मिलता नहीं है, इतने में भी 500-600 मिनिमम वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन 400 रुपये में मिल गया था, 200-200 हमारे डिवाइड हुए थे, तो वहाँ 200 रुपये खर्चा हुआ था मेरा रूम रेंट का। और इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ से हम निकल के सीधा धारी देवी मंदिर दर्शन करते हुए, थर्ड डे धारी देवी मंदिर में दर्शन करे थे और अपना कुंड होते हुए और सीधा सोनप्रयाग में पहुँचा था। और बीच बीच में मैंने कहीं कहीं जगह पर पेट्रोल का मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, मैंने जहाँ जहाँ भरवाए थे, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था कि मैं नोट कर सकूं, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी मैं फुल टंकी फुल कराता हुआ गया था और उसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना अमाउंट कितना आया होगा। देन उसके बाद सोनप्रयाग हम दोपहर तक पहुंच गए थे और उसी टाइम हमने यात्रा अपनी स्टार्ट कर दी थी।
और रात तक मैं केदारनाथ जी पहुंच गया था। तो सामान मैंने नीचे अपना लॉकर में जमा करा दिया था और केदारनाथ जी में मेरे पास जो मेरा टेंट मैं दिल्ली से लेके गया था वो उसका मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा था वहाँ पर, जिसमें मुझे जगह का चार्जेस देना पड़ा था 150 रुपीज़, जो कि डिवाइड हो गया था 75 रुपीज़ हमारा खर्चा आया था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो केदारनाथ जी से हम थोड़ा सा 5 किलोमीटर पहले रुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ पर हमने दर्शन करे केदारनाथ जी के, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो जिसके लिए हम मेन वहाँ गए थे और देन उसके बाद वहाँ से रिटर्न आते आते शाम हो गई थी। और फिर सोनप्रयाग में मैंने रूम लिया था डॉर्मेट्री, तो उसमें 300 रुपये पर हेड था, तो वहाँ पर 300 रुपये मेरा वहाँ पर रहने का खर्चा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह मैं त्रियोगी नारायण जी के दर्शन करने गया था, जहाँ से वो अपना सोनप्रयाग से 12 से 15 किलोमीटर है। उसके बाद वहाँ से रिटर्न आने के बाद बहुत जाम था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक मतलब भक्तों का सैलाब आया हुआ था एक तरह से आप कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पर, लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। हाँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा इतना मेरा टाइम नहीं लगा मुझे दर्शन करने में या लाइन में लगने में। स्कूटी से मेरी स्कूटी सीधा आगे गौरीकुंड तक गई थी। और अब इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, त्रियोगी नारायण के बाद ओमकारेश्वर पे मेरे फ्रेंड मेरा वेट कर रहा था जो कि चंडीगढ़ से है। और इसके हाँ इस बीच में मेरा जो दोस्त मेरे साथ दिल्ली से आया था वो अपना उसको कुछ अर्जेंट काम था वो अपना चला गया था बाय बस। तो मैंने यहाँ से अपना अकेले सोनप्रयाग से अकेले ओमकारेश्वर तक गया, वहाँ पर मुझे मेरा दोस्त मिल गया था, वो अपनी एक्टिवा से था और मैं अपनी जुपिटर से था। फिर वहाँ ओमकारेश्वर पे मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग चोपटा पहुँचे थे शाम तक। वहाँ पर हमने टेंट लिया था, लग्जीरियस टेंट था जिसमें डिनर ब्रेकफास्ट और 2 टाइम की चाय इंक्लूड थी। और उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं उसको, और नाम जो नाम कहते हैं सेम वही जगह है, बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर, बड़ा प्यारा व्यू था। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना, वैसे तो आप सारी वीडियो देखना, 31 वीडियोस टोटल आई हैं इस पूरी सीरीज़ में, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो एक खाली एक उसका निचोड़ है जो मैं आपको बजट वगैरह और मैंने कैसे ये यात्रा करी वो बता रहा हूँ। उसके बाद चोपटा में वहाँ स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम तुंगानाथ जी के लिए ट्रैकिंग पे गए थे। वहाँ से आते आते ट्रैक करके शाम को 5-6 बज गए थे। उसके बाद जो जंगल एरिया स्टार्ट होता है 20-25 किलोमीटर का, वो काफ़ी रिस्की होता है और ख़ासतौर से उस टाइम पे वो अगर पार करना तो बहुत ही रिस्क था। बट क्या है कि हमारे साथ गाड़ियों का एक काफिला चल रहा था, कुछ गाड़ियां आगे भी थी और पीछे भी थी, बारिश बहुत मूसलाधार हो रही थी, बट भोले बाबा का साथ था तो वो बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया। देन उसके बाद चमोली पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी 2-2.5 घंटे हमारे को लगे होंगे, 6 से लेकर 8-8:30 बज गए थे चमोली पहुँचते हुए। वहाँ पर हमने जो एक रूम लिया था वो केदारनाथ बद्रीनाथ समिति वालों का था, चमोली में है वो, वहाँ 600 रुपये का रूम पड़ा था। तो हम मैं और मेरा दोस्त साथ में थे, साहिल नाम है उनका, तो 300 रुपये वो हमारा मेरा खर्चा लगा था वहाँ पर। देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया था कल्पेश्वर महादेव, रास्ते में पड़ता है ये जोशीमठ से पहले, कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करे थे और वहीं पर ये अपना ध्यान बद्री जी उर्गम वैली ये बड़ा बहुत सुंदर जगह थी। वो सब करते हुए मेरा दोस्त इसके बाद अपना रिटर्न चला गया था, उसको श्रीनगर अपना जहाँ पर वो स्टे कर रहा था अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, वो अपना रिटर्न चला गया था। और उसके बाद मैंने आगे की यात्रा अकेले करी थी मैं उसके बाद जोशीमठ होते हुए, और शाम को 6:15 बजे तक जहाँ से गोविंद घाट पहुँच गया था, जहाँ से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट होती है। गोविंद घाट में गुरुद्वारा है, तो एक तरह से समझ लीजिए मेरे को जाना तो बद्रीनाथ था लेकिन थोड़ा लेट होने के कारण मौसम ख़राब था, तो इस वजह से मैं वहीं रुक गया था और वहाँ पर मैंने रात को रुका। अब देखिए गुरुद्वारे का मैं रुकने का वहाँ पर देखिए कोई चार्जेस नहीं होता, बस ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी वहाँ पर अपना देना चाहते हैं पर्ची कटवा सकते हैं। और मैं भी अपनी तरफ से यही कहूँगा कि देखिए ऐसी जगहों पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनका खर्चा नहीं होता, देखिए हर चीज़ में पैसा लगता है, तो देखिए अपनी अपनी जो पॉकेट अलाउ करती है, देखिए बाहर भी हम रुकते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा होता है, तो अपने हिसाब से वो आप अपना कर सकते हैं, वो कोई सबका अपना अलग अलग होता है हिसाब, और उसके बारे में ना मैं आपको कुछ कह सकता हूँ ना कोई और किसी को कह सकता है कि इतना करना चाहिए, सब समझदार है। तो वहाँ पर रहा मैं और वहाँ पर खाना लंगर वगैरह चलता रहता है, तो वहाँ पर अब ये कंपलसरी वाले खर्चे में नहीं है तो इसको मैं ज़ीरो में ही काउंट करूँगा, तो यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होता, रहना खाना सब वहीं पर हुआ था मेरा। नेक्स्ट डे मैं बद्रीनाथ जी गया था
और अप एंड डाउन करा था। मैंने सुबह गया था बद्रीनाथ शाम, और बद्रीनाथ में दर्शन करे थे, भीड़ थी लेकिन वहाँ पर भी दर्शन अच्छे से हो गए। उसके बाद माना विलेज गया था, माना विलेज घूम के मैं रात को 7-8 बजे तक, 8 बजे के करीब अराउंड वापस गुरुद्वारे में आ गया था। और फिर वहीं पर स्टे करा मैंने गुरुद्वारे में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने हेमकुंड साहिब जी के लिए यात्रा प्रारंभ करी थी। उसके बाद वहाँ से 10 किलोमीटर लगभग है गोविंद धाम, वहाँ तक की ट्रैकिंग करते हुए गए थे। वहाँ रुके थे, वहाँ पर भी गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में रुके, वहीं लंगर हुआ था। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हेमकुंड साहिब जी के लिए अप एंड डाउन करा था 6 किलोमीटर का। हेमकुंड साहिब में बहुत प्यारे दर्शन हुए थे और वहाँ पर इतनी स्नोफॉल हुई थी, मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल थी, बहुत मज़ा आया था, मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो आप ज़रूर देखना वो वाली वीडियो भी, हेमकुंड साहिब की स्नोफॉल वाली। और फिर वहाँ से रिटर्न आने के बाद फिर हम गोविंद धाम में रुकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर गोविंद धाम से मैं लगभग 11 बजे तक गोविंद घाट वापस आ गया था, जो कि हाईवे के पास पड़ता है गोविंद घाट, जहाँ से कि यात्रा प्रारंभ होती है। और वहाँ पर 1-1.5 घंटा मैं रुकाऊँगा, अपना सामान वामान अपना मैंने जो लॉकर में रखा हुआ था वो सब लिया, वहाँ लंगर करा और दर्शन करके अपना गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद फिर वहाँ से मैं अपना ऋषिकेश का मेरा टारगेट था, लेकिन मैं श्रीनगर तक ही पहुँच पाया था बिकॉज काफ़ी रात हो गई थी। बीच बीच में आपको लंगर भी मिलेंगे, वो हमने रात को मैंने लंगर करा था, बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पर। और ये मेरे साथ कोई एक सेवादार हैं कहीं पटियाला में, वो उनको मैंने लिफ्ट दी थी गोविंद घाट से लेके श्रीनगर तक। श्रीनगर में भी हम गुरुद्वारे में रुके थे रात को, तो वहाँ पर भी रहने का कोई खर्चा नहीं हुआ, वहाँ पर भी लंगर था। उसके बाद लास्ट डे 31 तारीख को जब श्रीनगर से मैं निकला था तो वो मेरे साथ ही थे, ऋषिकेश तक आए हैं। ऋषिकेश रास्ते में बारिश वगैरह बहुत होती रही थी, वहाँ पहुँच के भी बारिश हो रही थी। और वहाँ पर मैंने स्नान वगैरह करा, थोड़ा टाइम स्पेंड करा ऋषिकेश में, वहाँ पर वो फिर अपना गुरुद्वारे चले गए थे ऋषिकेश के, और मैं वहाँ से हरिद्वार के लिए आ गया था। हरिद्वार में दोपहर को पहुँचा था, और ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में मैंने बाई चांस मेरे को वो वाला रास्ता मिल गया था, जो एक नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो नहर के साथ साथ चलता है और चीला विलेज करके, चीला ऐसे करके कुछ नाम है, उसकी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो वैसे तो देखिए सारे ही वीडियोस बहुत अच्छी हैं, बट कुछ पर्टिकुलर वीडियोस कुछ ऐसी हैं, ब्लॉग्स जो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप सारे ही देख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसका एक अलग सेपरेट ब्लॉग बना रखा है। बड़े अच्छे रास्ते से आया था, बहुत सुंदर रास्ता था, और वहाँ से सीधा चंडी जो मंदिर है हरिद्वार में, वो वहाँ तक निकलता है, वहाँ पर पहुँचा मैं। और उसके बाद हरिद्वार में मैंने जल लिया और अपना हर की पेड़ी से, और उस दिन मेरा व्रत भी था। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से 5 बजे हरिद्वार से निकलाऊँगा, और ठीक 4 घंटे 9 बजे मैं दिल्ली में एंटर कर गया था, 4 घंटे में बाय स्कूटी। और वो भी मैं अपना जो ट्रैफिक वाला एरिया है, अपना रास्ता है ना जो गाज़ियाबाद वाला, उस वाले रास्ते से आया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो जो दिल्ली मेरठ वाला जो हाईवे जो है वहाँ पर चलान हो सकता है, 20,000 का चलान है, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड करा और मैं अपना पुराने वाले रास्ते से दिल्ली पहुँचा था। और उसके बाद मुझे 1.25 घंटा लगा था अपने घर तक पहुँचने में, मैं 9:45 बजे, मतलब 10 ही मान लीजिए, 10 बजे तक अपने घर पर पहुँच गया था। तो ये मेरा सफ़र था पूरा, आई होप आपको बोरिंग नहीं लगा होगा, मैंने जितना हो सका डिटेल में बताया। तो इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, 3,000 रुपये का मेरा लगभग पेट्रोल लगा था, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया, थोड़ा जितना मेरे को आइडिया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1380 किलोमीटर चली थी, 3,000 रुपये का लगभग पेट्रोल लगा था, ये हो गया कंपलसरी वाला खर्चा 3,000। एकोमोडेशन का टोटल मैंने जो करा है 2,075 बनता है, तो 2,000 रुपये आप बोम लगा लीजिए, 5,000 रुपये हो गए ये एकोमोडेशन मिला के और पेट्रोल। देन उसके बाद जो फूड होता है वो देखिए सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन मिनिमम आपका 200 रुपये या मैक्सिमम 250 रुपये में बड़ा अच्छा आराम से बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि देखिए ट्रैवल करते करते आप हैवी लंच नहीं करते, जो हल्का फुल्का मिलता रहता है, जैसे पराठे खा लिए, मैगी खा ली, या कहीं पर थाली मिल गई, तो वो बहुत सस्ता होता है। तो 250 रुपये भी अगर मैं लगाऊं 8 दिन का, जो कि गुरुद्वारे में तो कुछ लगा नहीं था, तो 2,000 रुपये वो, तो 7,000 रुपये में ये मेरा बहुत जो मिनिमम बता रहा हूँ खर्चा, इसके बाद खर्चे बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं, तो मिनिमम खर्चा 7,000 रुपये में 11 दिन का मेरा आया था। इसके बाद स्कूटी के मेंटेनेंस है, उसको आप प्रॉपर अपना सर्विस कराएंगे, ऑयल चेंज कराएंगे, 1,000 रुपये आप उसका लगा लीजिए, और छोटे मोटे मिसलेनियस खर्चे होते हैं 1,000 रुपये उसका लगा लीजिए, जैसे कि कभी कोई स्कूटी में इशू आ गया या कोई एक्स्ट्रा कुछ भी छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, तो
हजार रुपये वो लगा लीजिए, तो 9,000 रुपये। और अगर आप एक्स्ट्रा रख के चलना चाहते हैं तो 10,000 रुपये तो बहुत मतलब मिनिमम मैक्सिमम मतलब आराम से 10,000 रुपये में आप बड़े अच्छे से यात्रा कर सकते हैं, जो कि ये मेरा तरीका था। बाकी आप कैसे जा रहे हैं, आपका ट्रैवल और मोड क्या है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अप डाउन सबका अलग अलग रहेगा, ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा इससे, ठीक है। बाकी देखिए आप कहाँ पर कितना दान कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे ये दान वगैरह ये सब करते हैं और प्रसाद ले रहे हैं, वो सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं। उसके लिए आप अपने जेब में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रख के चलिए। तो ये सारे खर्चे कोई फिक्स नहीं होते, सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। जो मिनिमम जो खर्चा था वो 7,000 रुपये था, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आप मान के चलिए इस हिसाब से आपकी यात्रा बहुत ही अच्छे से हो सकती है। भोले बाबा ने बहुत साथ दिया और मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी। आप भगवान की जगह पे जा रहे हैं, उन पे विश्वास रखेंगे, उनका नाम लेते हुए बढ़ते रहिए, सब काम अपने आप होते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं करा, नीचे लिखा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब, अगर वो रेड है तो उस पर एक बार ही टच कर दीजिए ताकि वो ब्लैक हो जाए, इसका मतलब आप हमारे साथ जुड़ गए। और उसके बाद एक बेल आइकन आता है, उसको आप ऑल कर देना ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। और अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ चाहते हैं मैं इम्प्रूवमेंट करूँ इस अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बताया कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ मैंने करी भी। तो अगर आप भी मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैं भी अभी सीख रहा हूँ और आपका सपोर्ट चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। जय भोले की, हर हर महादेव।